स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन। आज बहुत बेसिक सी चीजें ही जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले तो तीन वर्ड जो ऊपर लिखे हुए हैं इनको ही डिस्कस करते हैं। लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है और एट लास्ट रिफ्रेक्शन क्या है। सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड लाइट पर है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द लाइट। लाइट एक्चुअली है क्या? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे आपने 9th क्लास में साउंड करा हुआ है, साउंड से लाइट डिफर कर रही है थोड़ी सी। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए नो मीडियम इज रिक्वायर्ड ट्रेवल द लाइट रेज। जितनी भी हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हो रही है, हम इधर उधर देख पा रहे हैं, ये सब किसकी वजह से है? लाइट की वजह से। रिफ्लेक्शन फिनोमिनन क्या है? रिफ्लेक्शन फिनोमिनन है लाइट रेज का एक, सपोज करो हमारे पास रिफ्लेक्शन के लिए शाइनिंग सरफेस का होना जरूरी है। सपोज करो ये एक शाइनिंग सरफेस था, इसको मैंने एक पर्टिकुलर मीडियम में प्लेस्ड किया हुआ है। किसमें प्लेस्ड किया हुआ है? एक पर्टिकुलर मीडियम में हमने एक लाइट रे डाली, इसी मीडियम से लाइट रे गई, ये लाइट रे बाउंस बैक होगी उसी मीडियम में इस शाइनिंग सरफेस को हिट करके। तो हम क्या कहेंगे भी, यहां पर क्या फिनोमिना अकर हो गया? रिफ्लेक्शन का फिनोमिना। रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट रेज का सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। जो लाइट रे शाइनिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है वो लाइट रे कहलाती है इंसिडेंट लाइट रे। जो लाइट रे शाइनिंग सरफेस को हिट करके बाउंस बैक हो रही है या रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ये है नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू दिस शाइनिंग सरफेस। अब इसमें एक एंगल ये है, इसको मैं आई से डिनोट करता हूं, ये एंगल है इसको मैं आर से डिनोट करूंगा। ध्यान से समझना, एंगल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस। ये एंगल आर है, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू दी सरफेस।
एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इन्हीं बेसिस पर हम दो लॉज डिस्कस करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम डिस्कस कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखना, ये इंसिडेंट लाइट रे आई, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, ये नॉर्मल, ये एंगल आई, ये एंगल आर। एंगल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला लो क्या कहता है? फर्स्ट लो कहता है इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लो क्या कहता है? सेकेंड लो कहता है इंसिडेंट लाइट रे रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई प्लेन ले लिया, वाई जेड प्लेन लिया, ये एक प्लेन है। जिस प्लेन में आएगी लाइट रे उसी प्लेन में लाइट रे क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। नेक्स्ट मीनिंग है हमारे पास रिफ्रेक्शन का। नेक्स्ट वर्ड हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? रिफ्रेक्शन। रिफ्रेक्शन क्या होता है? रिफ्रेक्शन होता है, सपोज करो मेरे पास दो मीडियम्स हैं, एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम में वापस आती थी, रिफ्रेक्शन में लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड इट चेंजेस इट्स पाथवे एंड स्पीड। तो हम कहेंगे भी क्या हो गया? रिफ्रेक्शन हुआ। जैसे रिफ्रेक्शन किसमें हो सकता है? एयर और वॉटर का मीडियम हो गया, एयर और डायमंड हुआ। तो रिफ्रेक्शन के लिए आपको दो मीडियम्स की जरूरत पड़ेगी, रिफ्लेक्शन के लिए सिंगल मीडियम। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे कल फर्दर डिटेल्स में नेक्स्ट टॉपिक्स को।